और खबर महाराष्ट्र के परभणी से है, जहां पर परभणी राष्ट्रवादी भवन में विधायक बाबा जानी दुर्रानी ने प्रेस वार्ता आयोजित की है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया है कि पाथरी के नगर पालिका कर्मचारियों पर हुई तथा कथित फरौती मामले में मुझे बेवजह घसीटा जा रहा है। बता दें कि विधायक बाबा जानी दुर्रानी ने प्रेस वार्ता आयोजित की है और इस दौरान उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पाथरी के नगर पालिका कर्मचारी पर हुए तथा कथित फरौती मामले में मुझे बेवजह घसीटा जा रहा है। पाथरी शहर में मुख्य मार्केट में दुकानों की झिपाझीट 4 लाख रुपए व्यापारियों से मांगने के आरोप पर पाथरी नगर पालिका कर्मचारियों पर फरौती की मांग को लेकर जो कानूनी मामले दर्ज हुए हैं उसमें मुझे बेवजह शामिल किया जा रहा है। ये नगर पालिका प्रशासन पंचायत समिति का एक निजी मामला है। इसमें मेरे खिलाफ में इस्तेमाल करके मेरी राजनीतिक प्रतिमा मलिन करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। एमके न्यूज के लिए संवाददाता महबूब शेख से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आने वाले हैं पर विरोधियों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। कैसे और किसको आने वाले? बाबा जी को आने वाले, एक नगर पहले को आने वाले, पर पहले भी से अब उसमें वो 20 गाली पे वो स्टार्टमेंट को व्यापारी जो 8,000 है उनको भी देना है और वो लोग वहाँ पर वो पैसे वो नगर पालिका में भरेंगे। तब वो उन्होंने बता रहे चैनल वाले कि भाई 100 गाले हैं 500 गाले हैं 5 कोटी में गाला है, अब मुंबई में नहीं है 5 कोटी में गाला तो 5 के पास।